दिल्ली की एक सलोनी शाम, लाखों रंगों की ज्वाला में भीगा हुआ एक लम्हा, इसी लम्हे के दौर में उजड़ा था एक चमन। आज भी उसका बागबां इन गलियों में आवारा घूमता है। कुछ लोग सोचते हैं शायद फिर चमन आबाद हो, फिर हंसी फूल खिलने लगें, झूमने लगें, मुस्कुराने लगें। ये तो बहुत जानता हूँ। इसी को कहते हैं शहराना मूड, और फिर इश्क आशिकी की शायरी, और ये करेला ऊपर से वो भी नीम चढ़ा। हमें यार शायरी वायरी कुछ नहीं, इन कॉलेज की लौंडियों ने किसका दिमाग खराब कर रखा, जो देखो फैन बनी। ओ अंकल, मैं नई ऑटो कब बुक लाई थी कि रवि बाबू से उनका ऑटो कब लूंगी। क्यों नहीं आए रवि बाबू? क्या हो रहे, पान न खाबो का? नहीं, आज पान नहीं खाऊंगा। काहे हो, कौनो मनमुटाव है का? ऐसी कोई बात नहीं, एक कभी से मिलूंगा। और फिर पहले ही इतने पैसे खर्च। अरे राम 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 राम, पैसा के फिकर मतलब एक तो ठहरे कभी, दूसर हमरे बबुआ की उम्र के, यही है ना तुम्हारे साथ? यही ससुर खातिर मूली लटका के सटके जा रहे। पान भैया, पान लगाओ जल्दी। हिसाब क्यों फाड़ दिया? दुकान कैसे चलेगी? अरे कहा ना, तू फिकर ना करो, एक से एक पटाखा छुकरिया आवती पान खाए कर, और सब का सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, उन्हीं से रुपया हिट से। रवि बाबू, भाई जी ने आपके लिए भेजा है। दिल की चोटों ने कभी चैन से जीने न दिया, जब चली ठंडी हवा हमने उसे याद किया। उन्हें देखा भी नहीं, सोचा देख लूंगी, मगर ना जाने कहां रह गए वो। चलो चलो। बाबू जी, कहां ले चलूं? जहन्नुम में।
उसके नैना मुझे नैनों में नजर आते हैं, क्या क्या मंजर मेरी आंखों में फिरे जाते हैं, उसके नैना मुझे नैनों में नजर इनको 7 बार आपके ऊपर सदके करूं सेठ जी, ये रवि बाबू राजा बंसीलाल के लड़के हैं, एक दिन महेश लाया था इनको हमारे यहाँ। ये महेश कौन? हुजूर, राजा बंसीलाल जी के बहन का लड़का है। तू क्या जानता है? अरे उसको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तमाश बीने का शौक है, पॉकेट में पैसा नहीं है, बड़े बड़े लोगों को फांस के जगह पे लेके आता है और उनके झूठे पर गुजारा करता है। इतने गुस्से करने की क्या बात है, लीजिए। ठंडे हो जाएगी। और वो तो बनारस की बात है, जब रवि बाबू आए मैंने अपनी बड़ी बेटी नैना को आगे बढ़ाया, समझती थी राजा साहब की सारी दौलत समेट लेगी। फिर क्या हुआ? उल्टे रवि बाबू नैना को लेकर भाग गए। उस वक्त इसका घूंघट भी नहीं उठा था, छोटी थी, नैना के नाम की बहुत धूम थी, सोना चांदी बरस रहा था। उसके चले जाने के बाद हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रह गई थी। अब ये कहती है मैं उसका बदला लूंगी, जो कुछ वो नहीं कर सकी मैं करके दिखाऊंगी, बस इसीलिए बनारस छोड़कर हम यहाँ आ गए। ये नैना प्रदर्शनी अपने ढंग की पहली नुमाइश है। आदमी के लिए भगवान की सबसे बड़ी देन क्या है? आंखें। जी हाँ, बहुत सी जातियाँ अपनी आंखों से पहचानी जाती हैं। बहुत से देश अपनी आंखों के लिए मशहूर है, खास तौर पर हमारा हिंदुस्तान। ये आंखें कुछ बोल रही हैं, ये कुछ सोच रही हैं। इनकी शोखी तो जरा देखिए, मासूम आंखें। चलते रहिए, मेहरबानी करके चलते रहिए, चलते रहिए प्लीज, चलते रहिए। जी हाँ, फर्स्ट प्राइज का फैसला हो गया है नितिन। योर अटेंशन प्लीज, कृपया सुनिए, हमारे श्री ललित गुप्ता जी जो फाइन आर्ट गैलरी के जनरल सेक्रेटरी हैं, जजों का फैसला लेकर आ गए हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे एकेडमी के जज साहबान ने किन आंखों को पहला इनाम दिया है। ये रहा पहला इनाम, तालियां। इस पोर्ट्रेट और इन आंखों के बनाने वाले हैं जग प्रसिद्ध कलाकार श्री धर्मवीर के शागिर्द और आज के उभरते हुए कलाकार कौर नितिन।
आओ। अरे ज्योति, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। नितिन, तुम कवि होते तो कितना अच्छा होता। चित्रकार होने में क्या बुराई है? कवि जो कुछ शब्दों में कहता है, मैं वो सब रंगों और लकीरों में। चलो उठो, हम लेट हो रहे हैं। क्या तुम चाहते हो मैं एग्जीबिशन में जरूर चलूं? जरूर, मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारा चित्र बनाया है, आज तो फैसला सुनाया जाएगा। अगर मेरे चित्र को अवार्ड ना मिला तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मुकाबला तो बड़े बड़े कलाकारों से है, लेकिन नितिन, ज्योति मुबारक हो, तुम्हें अवार्ड मिल गया। आप सच कह रहे हैं अंकल? हाँ बेटी, अभी टेलीफोन आया। ज्योति समझ रही थी इनके पोर्ट्रेट को अवार्ड नहीं मिलेगा। ये कैसे मुमकिन? नितिन मेरा शागिर्द है, मुझे नाज है इसके काम पर। अच्छा तो आप लोग बाहर चलिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ये क्या, मुझे बहुत अफसोस है, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, मगर ये हुआ कैसे? सर, एक आवारा सा जवान आया, बिखरे हुए बाल, खुला हुआ सीना, आंखों से वहशत बरस रही थी, शायद पिए हुए भी था। मेरे टेबल के पास आया, बड़ी शराफत से कैंची मांगी। मैं समझी कुछ काम होगा, कुछ और लोग भी टेबल के पास खड़े थे, मैं उनके सवालों का जवाब दे रही थी सर। इतने में न जाने कब उसने पेंटिंग से आंखें निकाल ली और बस गायब हो गया। अजीब बात है, ऐसी चोरी ना आज तक देखी ना सुनी। मिस्टर गुप्ता, आपकी आर्ट गैलरी का ये हाल, आप तस्वीरों की हिफाजत नहीं कर सकते तो एग्जीबिशन क्यों ऑर्गेनाइज की? जी मालूम है मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने दिन लगे, ऐसे शाहकार रोज रोज नहीं बना करते, शायद अब मैं भी न बना पाऊं। जी पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई है, चोर पकड़ा जरूर जाएगा। जल्दी पकड़ा जाए तो अच्छा है, मैं भी तो देखूं किसी, मेरी आंखें इतनी अच्छी लगी। देखिए कितना खूबसूरत कवर पेज है, जिन आंखों का मुझे इंतजार था वो आज मिल गई। वाह बहुत खूब, और ये मेरी किताब भी पूरी हो गई। वाह रवि बाबू, सिर्फ हमें नहीं, आपके सैकड़ों फैन आपकी नई किताब का इंतजार कर रहे हैं। आपकी पिछली किताबों के अब तक 5 एडिशन बिक चुके हैं। ये लीजिए रॉयल्टी फॉर्म पर अंगूठा, मेरा मतलब है साइन कर दीजिए। धन्यवाद। मैनेजर साहब, पब्लिशर साहब से कहिएगा कि इसकी सारी रॉयल्टी उसे दे दें जिसकी ये आंखें हैं। उसका नाम पता? मैं भी नहीं जानता। हेलो, जी हाँ यही है, बुलाती हूँ। नितिन, तुम्हारे लिए फोन। होल्ड ऑन प्लीज। नितिन हियर। हाँ, कौन? गुप्ता जी? जी हाँ, मैं गुप्ता बोल रहा हूँ, अंगू का चोर पकड़ा गया। क्या पकड़ा गया? आप कहाँ से बोल रहे हैं? करोल बाग पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन? जी हाँ आता हूँ, जी हाँ फौरन आता हूँ। क्या चोर पकड़ा गया? हाँ। क्या बात है? आंखों का चोर पकड़ा गया। ओ अंकल, मैंने सब कभी किया नहीं है, अगर आप चलते तो। क्यों नहीं, जरूर चलूंगा। मैं भी चलती हूँ। पुलिस स्टेशन में तुम्हारा क्या काम? काम तो कुछ नहीं, मैं उसे देखना चाहती हूँ। यही है वो आंखें, मैं जिनकी तलाश में भटकता रहा हूं, यही है वो आंखें जो मेरे सीने में खुलती और बंद होती रही हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें गिरफ्तार कीजिए। लुक हियर जेंटलमैन, आई वांट डिसेंट बिहेवियर। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ की जबान में दो ही शब्द होते हैं, हाँ या ना, और यही दो शब्द मैं नहीं जानता। आइए आइए, आप धर्मवीर जी हैं? जी हाँ। टेक योर सीट। मैं पूछता हूं कि तुमने आज गैलरी की एक तस्वीर में से आंखें निकाली हैं या नहीं? निकाली। सजा? सजा मजिस्ट्रेट देगा। हवलदार, अंदर कर दो। चलो ठहरो। इंस्पेक्टर साहब, मैं इनसे कुछ पूछ सकता हूं? हाँ हाँ पूछ सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जिस नाम से कोई पुकारना चाहे आप चोर कह सकते। मैं तुम्हें चोर तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर जानना चाहता हूं कि तुमने वो तस्वीर क्यों बिगाड़ी। कुछ और पूछना? मुझे पूछना है। पूछिए। तुम्हें मालूम है तुमने कितना बड़ा जुर्म किया है? मैं इससे बड़े बड़े जुर्म कर चुका हूं। एक जुर्म यह है कि मैंने समाज में जन्म लिया है, दूसरा जुर्म यह कि मैं अब तक जिंदा हूं, और तीसरा जुर्म यह है
कि मुझे खूबसूरती से प्यार है। नितिन, जिंदगी में ऐसे लोग कभी कभी मिलते हैं जिनको समझने की जरूरत होती है। इंस्पेक्टर साहब जी, अगर तुम्हें वो पेंटिंग इतनी अच्छी लगी थी तो तुम उसे खरीद सकते थे। मैंने सोचा ही नहीं था। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको कीमत चुका दूंगा। अगर आप इस पैसे को खत्म कर दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आई होप यू डोंट माइंड सन। आई डोंट माइंड अंकल। वेल यू आर लकी मैन, आप जा सकते हैं। अंदर या बाहर? बाहर नहीं, बाहर। शुक्रिया। साजू, जाके नीचे चौकीदार से कह दो आज रवि बाबू के अलावा किसी को ऊपर नहीं आने दे, आज महफिल नहीं जमेगी। जा। माँ, ये सब क्यों कर रही हो? रवि बाबू नहीं आएंगे। जरूर आएंगे, मेरा तीर आज तक खाली नहीं गया। आ जाए तो अच्छा है। लंदन से महेश बाबू खत पे खत लिख रहे हैं। सिर्फ महेश का नहीं, तुम्हें अपनी बहन का भी बदला लेना है। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते। अरे रजनी, तुम लोग बनारस से यहाँ कब आए? रवि बाबू, आपको याद है ना, बनारस में मैंने एक मरतबा आपसे कहा था, निगाहों से झुके कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा मुझे पाइएगा। नहीं रजनी, मैं तुमसे नहीं, अपनी नजरों से छुपना चाहता हूँ। बोलिए, कहाँ छुपा लूँ आपको? इन आंखों में, दिल में, या इस धड़कते सीने में? सिर्फ बातें करेगी या अपने रवि बाबू का दिल भी बहलाएगी? रवि बाबू को मेरा नाचना गाना क्यों पसंद आएगा? ये तो बस दीदी को था। तो बिटिया वही चीज सुना दे जो रवि बाबू ने नैना को लिख के दी थी, हमेशा उसे वही सुना करते थे। नहीं रजनी, तुम तकलीफ मत करो, मैंने बहुत पी ली है, मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है? मेरी आंखों की नींद चुरा कर सो जाना चाहते हैं आप?
रजनी, रजनी, सोने भी दो ना। वाह रवि बाबू वाह, क्या हमें उजाने का बीड़ा उठा लिया है? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। छी छी, इतनी शराब क्यों पीते हो? नशे में तुमने तबाह कर दिया इसको। इसकी चीख सुन के मैं आई तो तुमने मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। रजनी, तुम्हारी माँ क्या कह रही है? तुम कुछ बोलो, बताओ उनको रजनी। मैं क्या बताऊं, मुझे क्या बोलते हो? सोचा था 5,000 मिल जाएंगे तो मकान का किराया दूंगी, छोटे मोटे कर्ज उतारूंगी, लेकिन अब कहां जाऊं, किसके आगे हाथ फैलाऊं? पहले नैना को मिटा दिया और अब इस बेचारी को लूट लिया। हाय हाय, हम तो मर गए, तबाह हो गए, मैं तो लूट गई। ये सब रोना धोना बंद कीजिए, आप लोगों को पैसे मिल जाएंगे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सलाम शाह। सलाम अंदाज़। नमस्ते छोटे मालिक। नमस्ते दीनू, कैसे हो आप लोग? अच्छा ठीक है सर। डैडी कहाँ? अंदर कमरे में होंगे शाह जी। थैंक यू। ठाकुर अजीत सिंह के बेटे की शादी है, बुलाया है। भगवान जाने इस हवेली में कब शहनाई बजेगी, कब रवि सेहरा बांधेगा। रवि कब? डैडी सुखी रहो बेटा, अब जाओगे तो नहीं? बुआ जी मुझे फौरन जाना है, एक एक मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे 5,000 की जरूरत है, तभी छुटकारा मिलेगा। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। डैडी मैं फिर कभी ऐसी तकलीफ न दूंगा आपको। तुम इस वक्त भी मुझे ऐसी तकलीफ मत दो। देखा, माफी भी नहीं मांगी, इतने दिनों के बाद आया चला गया। पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा। चाहता है कि मैं उसके सामने झुकूं, माफी मांगू उसे, ये मुझसे नहीं होगा। हाँ
जाओ ये पैसे उसे दे दो, वो आ गया है, कोशिश करना कि अब वो यही रहे। जाओ जाओ नहीं तो चला जाएगा। ना ना छोटे मालिक, अब ना जाओ, बड़े बाबू रात ही नुठ के तुम्हारे कमरा का फेरे लगा दो। रवि बेटा, यहाँ आए हो तो खाली हाथ ना जाओ, ये 5000 मैंने महेश की पढ़ाई के लिए रखे थे सो तुम ले लो, और घड़ी घड़ी यहाँ अपनी बेइज्जती कराने ना आया करो। तुम तो जानते ही हो भाई साहब ने तो अपने सीने पर पत्थर रख लिया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ अपना काम करो। बुआ जी, मैं तो आपके लिए चिट्ठी लाया, अभी डाकिया दे गया। क्यों? मुझे अब इनकी जरूरत नहीं। लंदन से महेश का सादर प्रणाम। माँ, आप घड़ी घड़ी बुलावे का तार भेजती हैं लेकिन रुपए नहीं भेजती। इस रवि के बच्चे के पीछे मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अगर जल्दी ही तुमने रुपए नहीं भेजे तो मेरी जान पे खतरा आ सकता है। अपने बेटे की जिंदगी बचानी हो तो फौरन रुपए भेजिए। आपका लाडला महेश। किताब लाए? किताबों की सारी दुकानें देख डाली, इस रवि की किताब कहीं नहीं मिली। बड़ी मुश्किल है, ना कहीं नई किताब मिलती है, ना कभी दर्शन होते कभी महाराज की। जब तक दर्शन न हो अच्छा है। मेरे लिए या तुम्हारे लिए? मुझे उनसे कोई खतरा नहीं। लंबे लंबे बाल, मैले नाखून, मुंह में पान, कान में बीड़ी, हाथ में धोती, बस ऐसे ही होंगे तुम्हारे कवि महाराज। भगवान से प्रार्थना करो किसी दिन सामना ना हो जाए। हाँ और रवि बाबू, एक अलवा चाचा भैया पांडवा। चाचा एक काम करो। कहो कहो भैया। ये सामान लो और इसे कहीं गिरवी रखकर 5000 रुपए इस पते पर पहुंचा देना। रवि बाबू, 5000 रुपया 5 बार तुम्हारे ऊपर निछावर है, एक आप रख लियो, हम रुपया पहुंचा दिए। नहीं चाचा, इसे रख लीजिए, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। आप क्या देख रहे हैं, मुझे किताब दीजिए। जी, कुछ पूछा आपने? आप क्या ऊंचा सुनते हैं, मैं आपसे रवि बाबू की नई किताब मांग रही हूँ। जी ये लीजिए। ये वांक है। ये रवि बाबू हैं? जी बिल्कुल वही। ऐसा लगता है भगवान ने इन्हें आर्डर देके बनवाया है और हमें तो ठेके पर बनवाया गया है। ये लीजिए। थैंक यू। आप अपना इस पर नाम और पता लिख दीजिए। क्यों? बात है, जब रवि बाबू की नई किताब आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। लीजिए। ये लीजिए। धन्यवाद। फंस गई, फंस गई। क्या बक रहे हो? प्रोफेसर साहब देखिए, यही वो लड़की है रवि बाबू जिसकी आंखें निकाल लाए थे और जिसके नाम से रॉयल्टी फॉर्म साइन कर गए थे। ये देखिए उसका नाम और पता। अच्छा जी, ज्योति सक्सेना। हमको तो जान से प्यारी है तुम्हारी आँखें, आए काजल भरी मदहोश ये प्यारी आँखें, हमको तो जान से हुस्न की राहों में आए न अंधेरों
का नगर हम सफर में हूँ तुम्हारा तुम्हें किस बात का डर उसने की राहों में आए ना अंधेरों का नगर हम सफर में हूँ तुम्हारा तुम्हें किस बात का डर जब जरूरत हो सनम लेना हमारी आँखें आए काजल भरी मदहोश ये प्यारी आँखें हमको तो जान से तेरा हुने पड़था हो जाना सी पड़था कुड़ी अरे घबरा गई कुड़ी अरे घबरानी तू मैं अभी निपल लेता हूँ सबसे चलो भाई दिलचस्प चीज है ये रवि वर्मा कहने लगे अगली पिछली सारी रॉयल्टी उसे दे दो जिसकी ये आंखें हैं ये देखिए बाकायदा लिख पढ़ कर गए हैं मैं सच कहता हूं धर्मवीर जी अगर रवि में एक दो कमजोरियां न होती तो आज उसका कितना नाम होता कितनी इज्जत होती कवि को उसकी कमजोरियों से नहीं कविताओं से जानना चाहिए आप उसे जानते हैं मैं उसके पुरखों को जानता हूँ वो अपने मेरठ वाले राजा साहब है ना बंसीलाल वर्मा ये उन्हीं का इकलौता लड़का है अच्छा मेरठ वाले राजा बहादुर तो हमारे भी दोस्तों में से बहुत दिनों से मुलाकात नहीं कैसे हैं बंसीलाल जी राजपाट तो खत्म हो गया लेकिन आन बान वही है जब से उनके सपूत यही रवि वर्मा एक नाचने वाली की लड़की को लेके यूरोप भागे चारों ओर थूथू हुई उस दिन से राजा साहब ने बाहर निकलना लोगों से मिलना जुलना सब छोड़ मालिक मालिक आपने क्या चीज मांगी थी मैंने चाय मांगी थी हुजूर तभी ये हुआ क्या हुआ मैं सूरज बना रहा था बन गई चाय की केतली पेंटिंग छुड़वा दी ये पुस्तक देखी तुमने तुम्हारे भतीजे की है क्या उसने एक और पुस्तक छपा दी बहुत बड़ा कवि बन गया है इस उम्र में उसको आपके पास रहना चाहिए आपकी सेवा करनी चाहिए कविता में क्या रखा है मेरी सेवा बीवी ने नहीं की बेटा क्या करेगा हाँ मैंने तो जब से इस घर में कदम रखा है स्वर्गवासी भाभी को बीमार ही देखा कभी बिस्तर पर कभी पूजा में उस पर हर दम रवि से आपकी शिकायत बच्चा तो था ही डरने लगा दूर हो गया आपसे बहुत दूर पता नहीं कहाँ रहता है किन लोगों में उठता बैठता है अरे कभी तीज त्योहार को आके आशीर्वाद ही ले जाता कल नया साल शुरू हो रहा है जाने मुझे तूने ये क्या चीज पिला दी प्यास तो बुझाई नहीं
कर शराब को शराब पिला दी जाने मुझे तूने ये क्या चीज पिला दी प्यास तो बुझाई नहीं आग लगा दी अरे आज तो लोगों ने कयामत ही उठा दी देखिए शराब को शराब पिला दी तारा मिया पिला दी जी चाहता है तुमसे प्यार करूं और प्यार के बाद पार्टनर खो दिया मैं ढूंढ लूंगी उसे तुम्हारा क्या होगा Happy New Year, my child. Same to you, uncle. Thank you, dear. ज्योति चलो बबल के यहाँ जाना है वो इंतजार कर रहा होगा नितिन तुम जाओ मुझे नींद आ रही है और अंकल को देर तक जगने के लिए डॉक्टर ने मना किया चलो अंकल लेकिन प्लीज नितिन बाय नितिन हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू लाइट ऑफ हुई जन्म का है कहाँ गए होंगे
चाहिए। मुझे उधारा ना, हेल्प मी। फोन कीजिए ना। डॉक्टर की जरूरत नहीं, इनका इलाज मैं करता हूं। नैना, 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 नैना। आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आराम नैना, आराम तुम करो। मेरा नाम ज्योति है। ज्योति? नैना, ज्योति इधर आओ, करीब आओ। करीब तुम नैना हो, ज्योति नहीं हो, नैना हो। कौन हो तुम? नैना। नैना कहाँ चली गई थी तुम? कितना भटका हूं तुम्हारे लिए, कहाँ कहाँ ढूंढा है तुमको, तुम्हारी तलाश में मैं खुद खो गया। आप कहाँ खो गए? मैंने जो ढूंढ लिया आपको। रवि लो कॉफी पी लो। मैं काफी पी चुका हूँ, इसीलिए काफी पीने को कहता हूँ, तबीयत संभल जाएगी। रवि तुम इसे अपना घर समझो, यहां आराम करो। सुबह मैं तुम्हें ले चलूंगा तुम्हारे पिताजी के पास। पिताजी के पास? हाँ, वो मेरे दोस्त हैं। मुझे मुझे नींद आ रही है। फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी डैडी। मैं फिर कभी ऐसी तकलीफ ना दूंगा आपको। तुम इस वक्त भी मुझे ऐसी तकलीफ मत दो। रवि अभी नहीं उठा? पता नहीं, बुला लो उसे, नाश्ता कर ले। hmm.
आ गए। ये क्या? श्रीमान गायब हो गए। गायब हो गए? मगर कहाँ? चंदो, सारा मूड नाश करके रख दिया। चंदू आया मालिक। हाँ मालिक। चंदू वो साहब कहाँ गए? कौन से साहब मालिक? अरे वही जिन्हें हमने रात को कॉफी पिलाई थी। हैं? तो क्या वो चले गए? हाँ। लो मेरे तो सारे किए धरे पर पानी फिर गया। मैं तो उनकी ये तस्वीर बना रहा था, देखिए। इसीलिए मैंने दुनिया से नाता तोड़ लिया और कमरे में बंद हो गया। अब जीवन में कुछ अच्छा नहीं लगता। आइए बैठिए। आओ बेटी, आज तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय पियेंगे। हाँ बेटी बनाओ, चाय बनाओ। हाँ बंसीलाल जी, औलाद को जितना माँ बाप जानते हैं दुनिया में और कोई नहीं जान सकता। फिर भी रवि को आप जैसा समझते हैं वैसा नहीं है बेटी। वो बहुत अच्छा लड़का है बंसीलाल जी। किनवाओं उसकी अच्छाइयां? शराब पीता है, कोठों पे पड़ा रहता है, आवारा लोगों में उठता बैठता है। यही नहीं धर्मवीर, उसकी बुआ का लड़का है महेश, जो किसी लड़की से प्यार करता था। रवि उस लड़की को लेकर भाग गया। हो सकता है लड़की उसको लेकर भागी हो। कुछ भी हो, हमारे वंश में ऐसा होगा ये मैं सोच भी नहीं सकता। उसकी सजा तो मिल गई रवि को। राजा बंसीलाल, जिन्होंने कभी किसी नौकर को नहीं निकाला, जिनके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटा, जिन्होंने दूसरों को अपना लिया, नहीं अपना सके तो अपने बेटे। इसकी मुझे खुशी नहीं है। रवि मेरा इकलौता बेटा है, लेकिन ये मैं कैसे भूल सकता हूं कि उसने एक नीच हरकत की है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा लड़का ऐसी कविताएं कैसे लिखता है। रवि बहक गया है बंसीलाल जी। जवानी में बड़े बड़े बहक जाते हैं, लेकिन उसकी आत्मा पवित्र है। रवि चाहे ऊपर से कैसा भी हो, लेकिन अंदर से सोना है, खरा सोना। लेकिन यह सोना बाहर कैसे निकल सकता है? निकल सकता है, उसकी शादी करा दो। अफसोस तो यह है धर्मवीर कि जो लोग पहले मेरी खुशामद करते थे, जो सपना देखते थे कि रवि जैसा उन्हें जवाई मिले, आज वही लोग उसका नाम सुनते ही कान पकड़ते हैं। भाई दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। अगर आप रवि की शादी करना चाहें तो कोई ना कोई लड़की जरूर मिल जाएगी। धर्मवीर यह हिंदुस्तान है, तुम्हारा वलायत नहीं। पागल होगी वो लड़की जो सब कुछ जानकर देखकर ऐसे आवारा के साथ शादी करेगी। मैं करूंगी शादी। ज्योति ये क्या कह रही है बेटी? अंकल मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। नितिन का क्या होगा? मैंने कोई वादा नहीं किया उससे। ओ, तो फिर मेरी गलती है। बेटी शायर की महबूबा बनना खुशकिस्मती है, लेकिन उसकी बीवी बनना बदकिस्मती। पिताजी मेरा हौसला ना तोड़िए। जाने कमी किस चीज की, मैं हर चीज में पाता रहता हूँ। खुश होके बसाता हूँ दुनिया, घबरा के मिटाता रहता हूँ। हर साल जन्मदिन मेरा तो कुछ दोस्त मनाया करते हैं। हर साल जन्मदिन मेरा तो कुछ दोस्त मनाया करते हैं। हर साल मैं अपने हिस्से का एक साल गंवाता रहता हूँ। क्या जाने कमी किस चीज की मैं। अब शायरी बंद कीजिए और केक काटिए। हाँ।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस बात से पीता हूँ कि जल जाए जवानी, वल्ला किसी शौक के मारे नहीं पीता। रवि, डैडी, तुम्हारे दोस्त चले क्यों गए? बुला लो। ठीक है। याद है तुम्हारी मां कितने प्यार से तुम्हारा जन्मदिन मनाया करती थी? सिर्फ यादें तो रह गई हैं, और क्या है मेरे पास? मां छोड़ के चली गई और आपने छोड़ दिया। मैं तुम्हें लेने आया हूं, घर चलो। घर तो बहुत दूर हो चुका है, अब वहां पहुंचना मुश्किल है। घर तुमसे दूर नहीं हुआ, तुम घर से दूर हो गए हो। मां के बाद अब उस घर में ऐसा कौन है जिसे मेरा इंतजार हो? है, मुझे है तुम्हारा इंतजार। इस वक्त मैं अपने काम के लिए नहीं आया। इसको है तुम्हारा इंतजार। ज्योति, ये तुमसे शादी करना चाहती है। मैं ज्योति और धर्मवीर को जबान दे चुका हूं। ज्योति को अपने ऊपर भरोसा है और मुझे भी उस पर भरोसा है कि जिस अंधेरे कुएं में तुमने अपने आप को गिरा दिया है, उसका प्यार तुम्हें निकाल लेगा। शायद ज्योति के रूप में हमारे घर की रूठी हुई लक्ष्मी लौट आए, उसकी रोशनी से हमारे घर में उजाला आ जाए। सोच क्या रहे हो? क्या तुम्हें प्यार की शक्ति से इनकार है? प्यार में बड़ी शक्ति है। खत लिखे, इतने तार दिए, अब आए हो? खत और तार पे कैसे आता माँ? आपने रुपए भेजे, मैं आ गया। अब क्या रखा है? पहले आ गए होते तो भाई खुश होके शायद कुछ दे भी देते तुमको। अब क्यों ना देंगे? रवि वापस आ गया है। क्या? उसकी शादी हो रही है। शादी? जिंदगी नाम है सिर्फ एक रात का, और वो रात यही है। इसका एक एक पल मेरा है या तुम्हारा? ज्योति, मैं तुम्हारी आंखों में डूब जाना चाहता हूं। आंखें खोलो।
हमको तो जान से प्यारी है तुम्हारी आँखें, हाय का जल भरी मदहोश ये प्यारी आँखें, हमको तो जान से प्यारी है तुम्हारी आँखें, हाय का जल भरी मदहोश ये प्यारी हमको तो जान से। मस्त आंखें हैं कि गाते हुए मैं खाने हैं, मस्त आंखें हैं कि छलके हुए पैमाने हैं, मस्त आंखें हैं कि गाते हुए मैं खाने हैं, मस्त आंखें हैं कि छलके हुए पैमाने हैं, हमने देखी नहीं ऐसी तो कमारी आंखें, हाय काजल भरी मदहोश ये प्यारी आंखें हमको तो जान से। नरगिसे फूल हैं हंस हंस के खिली जाती हैं, नींद के बोझ से शर्मा के झुकी जाती हैं, नरगिसे फूल हैं हंस हंस के खिली जाती हैं, नींद के बोझ से शर्मा के झुकी जाती है, और कातिल है सनम नींद से भारी आंखें, हाय काजल भरी मदहोश ये प्यारी आंखें हमको तो जान से। रोशनी चांद में सूरज में है जब तक कायम, ज्योत रोशन रहे आंखों में तुम्हारी हर दम, रोशनी चांद में सूरज में है जब तक कायम, ज्योत रोशन रहे आंखों में तुम्हारी हर दम, ये दुआ है कि सलामत रहे प्यारी आंखें, हाय काजल भरी मदहोश ये प्यारी आंखें हमको तो जान से प्यारी है तुम्हारी आंखें, हाय काजल भरी मदहोश ये प्यारी आंखें हमको तो जान से। नाना मैं नाना नहीं हूँ, मैं ज्योति हूँ, ज्योति ज्योति, मैं नाना नहीं हूँ, मैं ज्योति हूँ। ज्योति हूँ ज्योति। तुम नैना नहीं हो, मैं समझा था तुमको पाके मैं सब
कुछ भूल जाऊं। तुझे भी नैना की बीमारी लग गई, तू भी उस रवि के बच्चे से प्यार करने लगी। प्यार? तवायफ की बेटी सिर्फ प्यार का नाटक रचाती है, प्यार नहीं करती किसी से। माँ, तवायफ की बेटी सब कुछ सहन कर सकती है, अपनी हार कभी नहीं सहन कर सकती। तू इसको अपनी हार क्यों समझती है? रवि आएगा और झक मार के आएगा। अब क्या आएगा रवि? जीतू से नहीं आने देगी। रवि जरूर आएगा, मैं लाऊंगा उसे। आप बातें बहुत ज्यादा करते हैं महेश बाबू, काम बहुत कम। रजनी भाई, सांप दो तरह के होते हैं, एक का जहर फौरन चढ़ता है, एक का धीरे धीरे। रवि को डसो तो जानू। मौका मिलते ही दांत कड़ा दूंगा। ऐसी होती है क्या? बहुत सताया छोटे बाबू ने। सुमिरन कर मन राम नाम, दिन नीके बीते जाते हैं। पाप गठरिया सिर पर भारी, पग नहीं आगे जाते हैं। क्यों रे बिंदिया, बहू और रवि ने चाय पी ली? रख आई हूँ। ऐसे क्यों कहती है? और कैसे बताऊं? क्यों, क्या हुआ? लगता है कुछ भी नहीं हुआ। ये कैसे कह सकती है? वहां सुनाने वाली बात कोई नहीं हुई। बिंदिया अपनी जगह, काजल अपनी जगह, जो जोड़ा पहने शाम को सीज पे बैठी थी वही अभी पहने बैठी हैं। और बिस्तर? वैसे का वैसा। लगता है छोटे बाबू उनके करीब ही नहीं गए। ये तो बुरा हुआ, भाई को बतानी पड़ेगी ये बात। पीना यार। अरे अब क्यों पिएगा तू? तूने तो रात भर भाभी के होठों से। बकवास मत करो। लड़कियों की तरह शर्माता क्यों है? अरे यार हमको भी बताना रात को क्या क्या हुआ था, जरा कुछ याद हो से मजा ले। यार तुम लोग बैठने दो तो मैं बैठूं, नहीं तो मैं जाऊं। अरे इनसे क्या हुआ होगा, नशे में धुत सो गए होंगे अपने कवि महाराज। मगर सोया लिपट कर है, अब तक महक आ रही है। अच्छा ये बता दे, हमारी भाभी है कैसी? भाभी तो हमारी बहुत अच्छी है भाई, सुंदर कोमल जैसे रवि की कोई गजल। कहीं ठंडी तो नहीं है?
एकदम ठंडी है। भैया ये लोग ना कुछ सोचते हैं ना समझते हैं, जानवर हैं सब। ये बात नहीं यार, लोग तुम्हारी खुशी में हिस्सा बटाना चाहते हैं, लेकिन लेकिन क्या? यही कि यहां तुम्हारा ये हाल है और वहां रजनी ने रो रो के आंखें लाल कर ली हैं। मैं आज गया था रजनी के यहां, न जाने यार तुम में क्या जादू है, ये लौंडिया भी मर गई तुम पे। कोई किसी के लिए नहीं मरता महेश, तुम नहीं समझोगे। और फिर आज दूल्हा दुल्हन का रिसेप्शन है, बड़ी धूमधाम की पार्टी होगी, सब लोग तुम्हें बधाइयां देंगे, हंसी मजाक होगा। देखो वहां इस तरह गुस्सा ना करना वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ कोई गड़बड़ नहीं होगी। रवि तो रवि वो कम्बक ड्राइवर भी नहीं आया अभी तक, पता नहीं उस लड़के को क्या हो गया। राजा साहब रवि बाबू की सारी किताबें छपा दी मैंने, उनकी नई किताब लेना, अरे उसकी सेल का तो क्या कहना, इस बार यंग एंड ओल्ड सबको जीत लिया है रवि बाबू ने। आपने किताबें छपा ली है तो उसकी वजह से गंदे अंडे और टमाटर मुझ पर पड़े। देखिए आप वाइन तो पीते नहीं। जी नहीं शरबत पी लेता हूँ। जी हाँ इधर आओ। लीजिए। शुक्रिया। मैं भी आया। आज कुछ उखड़े उखड़े दिखाई देते हैं, बात क्या है? बहू की मुंह दिखाई है आज और बेटे साहब अब तक आए थे। वो किसी और का मुंह देख रहा होगा। क्यों क्या हुआ? हुजूर साहब छोटे मालिक नहीं पता नहीं लगा क्या हुआ? क्या हो गया? सुना नहीं तुमने? सुना तो है लेकिन रवि नहीं आया तो रस्म तो पूरी करनी चाहिए। लगता है यहाँ भी गोता मार गए कवि महाराज। ऐसी मुंह दिखाई न कभी देखी न सुनी। आओ बेटा आओ, जीती रहो बेटी, सुखी रहो, अब तुम इस घर की मालकिन हो, ये सारा संसार तुम्हें चलाना होगा। घूंघट में कब तक रहोगी बेटी? ये है तुम्हारी अमानत, लो बेटा। हाँ हाँ बेटी रख लो, लो। ये है तुम्हारा तोहफा, मुंह दिखाई दो। तुम्हारी सास इस घर का सारा बोझ मुझ पर छोड़कर चली गई थी, अब मैं थक गया हूं, अब इस घर को तुम संभालो, घर को भी रवि को भी। दूध बनाओ पूतों पलो, जी जान से पति की सेवा करो, पति संसार के सारे सुख तुम्हारे आंचल में भरते। राजा साहब बहू नहीं चांद तोड़ना है आसमान से। राजा साहब छोटे बाबू की कविता अब और चमकेगी, भगवान करे जिंदगी भी चमके। अरे वहां खड़ा क्या कर रहा था? मुंह नहीं देखेगा भाभी का? पांव से ऊपर नहीं देख सकता। मगर रवि भैया का भी जवाब नहीं, ये तो खुला अपमान है भाभी का। रवि ने किसका मान रखा है जो बहू का मान रखेगा? मैं तो महिला समाज चलाती हूँ ना, मुझे पता है मर्द पांव की जूती समझता है औरत को। मगर कोई नई जूती भी पांव से निकाल के फेंक देता है। Oh!
मेरा ख्याल नहीं, बिरादरी का ख्याल नहीं, कम से कम बहू का तो ख्याल करता। एक रात की बिहाई बनी ठनी वो अकेली बैठी रही पार्टी में। ऐसा तो नीच से नीच लोगों में भी नहीं होता। माना कि सभी कवि सनकी होते हैं, मगर इतने, ये तो पागलपना है। इसमें कवि या कविता की बात नहीं भैया। और क्या बात है? मैं बताना चाहती थी, इस डर से नहीं बताया कि आपको तकलीफ होगी। मुझे तकलीफ होगी? क्यों? रवि ने बहू को अपनाया नहीं है। क्या? मिलन की रात में भी वो बहू से दूर दूर ही रहा। आज दूसरी रात है और अब तक पता नहीं कहाँ है रवि। ये पगली समझती थी कि तुम नहीं आओगे, रो रो के जान दे दे रही थी, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओ। लेकिन शादी की दूसरी ही रात यहाँ बिताओगे, ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। ये मुझे भी नहीं मालूम। आज मान गई, सच्ची मोहब्बत में बड़ी ताकत होती। मुन्नी भाई, अगर मोहब्बत में कोई ताकत होती तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता। तो अब चले जाइए, रोका किसने है? कहाँ एक नई नवेली दुल्हन, कहाँ एक तवायफ की बेटी। तुम लोग के लड़ाई झगड़े में मैं अपनी नींद क्यों खराब करूं? देख रजनी, मोहब्बत में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन सेवा में कोई कमी नहीं करना। कहिए जनाब, आपकी क्या सेवा करूं? रवि बाबू, क्या हुआ? तुम अपने आप को कवि कहते हो, आज जो हरकत तुमने की है उसके बाद तुम्हें इंसान कहना भी मुश्किल है। अगर तुम चाहते थे कि मुंह दिखाई की रस्म ना हो, मैं दोस्तों और रिश्तेदारों को ना बुलाऊं, अगर तुम्हें घर से गायब ही रहना था तो साफ कह देना था, इस तमाशे की क्या जरूरत थी? मुंह दिखाई तो ज्योति की थी, मैं रह के क्या करता? ज्योति से तुम्हारा कोई संबंध है या नहीं? संबंध है तो सही, लेकिन मैं क्या? जब सारी दुनिया तुम्हें आवारा समझती थी, दूर भागती थी तुमसे, उसने तुम्हें अपना भगवान समझा, शादी की तुमसे, उसकी ये सजा दे रहे हो तुम उसे? महेश ऐसी बात करता तो खड़े खड़े निकाल देती घर से उसे, कभी मुंह भी ना देखती उसका। ना जाने वो बेचारी क्या समझती होगी। बड़ी भूल हुई मुझसे, मैं बहुत शर्मिंदा हूं डैडी। ज्योति, ज्योति, मुझे कल की गलती के लिए माफ कर दो। मैं इस अंधेरे से बाहर आना चाहता हूं। जरूरत है।
कुछ नहीं जानते, लेकिन भगवान के लिए आप बाहर आ जाइए। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? मुझे उसकी चाहिए, मैं अपने आप को भुला देना चाहता हूँ, नशे में डूब जाना चाहता हूँ। मैं लाती हूँ उसकी। तुम कहाँ से लाओगी? बिंदिया के पास से। बिंदिया ने बता दिया तुमसे? क्या क्या छुपाइएगा मुझसे? हमारे मालिक बड़े रसिया हैं। आज शादी की दूसरी रात है, लेकिन अभी अभी लौटे शहर से। घर में सुंदर सलोनी बीवी होते हुए भी ना जाने तुम मर्दों को सड़क के पत्ते चाटने में क्या मजा आता है। घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जाओ, तुम भी वहीं जाओ। अरे हम तो अपनी बिंदिया के दीवाने हैं। कैसे काट ली? आपको बेहोश होने के लिए उसकी पीनी पड़ती है, मुझे उंगली काटनी पड़ी। बहू के कमरे में जा, देख ये रात कैसी बीती। अभी अभी तो सोने को मिला था। अच्छा उठिए, मैं चादर बदल दूं, कहीं बुआ जी ना आ जाए। नहीं नहीं, ये चादर नहीं, मेरी सुहागरात है, जीवन का सबसे सुंदर सपना। यही तो मिला है मुझे अपने पति से। महेश, रवि के पास कितने कपड़े हैं, एक से एक खूबसूरत, एक से एक कीमती। जी चाहता है जला दो इनको। तुझे क्या मिल जाएगा? तस्कीन, मैं भी जवान हूं, मेरा भी जी चाहता है अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, शान से जिंदगी गुजारूं, चार आदमियों के सामने सर उठा कर चलूं। अगर ये मेरे भाग में नहीं
तो मैं रवि को भी सर उठाकर नहीं चलने दूंगा। अगर मेरी जिंदगी में रोशनी नहीं तो ये चांद सूरज क्यों चमकते हैं? मैं अंधेरा कर दूंगा, सारी दुनिया में अंधेरा कर दूंगा। तेरी दुनिया भी रोशन हो सकती है बेटा, तू अपना चाल चलन तो ठीक कर। रवि का चाल चलन कौन सा अच्छा है? वो मुझसे ज्यादा शराब पीता है, मुझसे ज्यादा आवारा है, मुझसे ज्यादा। रवि को उसकी सजा मिल रही है। जिस दिन उसका ब्याह हुआ, जिस दिन इस हवेली में दुल्हन आई, मैं समझती थी कि अब यहां से मुझे भी निकलना पड़ेगा और तुझे भी। लेकिन रवि बहू को नहीं अपना सका, भाइयों से नहीं अपनाएंगे। तू आज से उनकी नजरों में अच्छा बन, उनकी खूब सेवा कर। सेवा तो मुझसे माँ की नहीं हुई, मामा की क्या सेवा करूंगा? माँ के पास क्या रखा है? मामा खुश हो गए तो पूरी जायदाद न सही, उसका एक टुकड़ा तो दे देंगे। इसमें नहीं है। ऊपर के खाने में देखो। सब खाने देख ली। इस बिंदिया कमबख्त ने कहीं इधर की उधर गर्दी होगी। जब से मैं आई हूँ ये कमरा बिंदिया नहीं, मैं ही साफ करती हूँ। तो फिर कैसे गुम हो सकती है? अरे ये तो यही है। बगल में छोरा नगर ढिंडोरा। छोटे बाबू। कौन? मैं बिंदिया। आओ बिंदिया। नमस्ते छोटे मालिक। छोटे बाबू, कल मेरी बहन राधा का ब्याह है, हम आपको और मालकिन को न्योता देने आए हैं। ये लीजिए छोटे मालिक। बधाई हो। कुछ दोगे भी तो? हाँ, हो। ये लो। कुछ नाच गाना भी होगा, यूं ही विदा करोगे बारात को? सुने बारात के साथ नाचने वाली मंडली आ रही है, बहुत मशहूर नाचने वाली है, हाथरस की है। तो फिर हम भी आएंगे, क्या ख्याल है ज्योति? हाँ, जो आपका ख्याल। हमारी इज्जत बढ़ जाएगी छोटे मालिक। ठीक है, हम दोनों आएंगे। ए ठैया झुलनी है रानी हो रामा। ए ठैया बोलती बंद कर डाली लड़की वालों की। क्या कह रहे हो उस्ताद जी? बड़ी से बड़े नाचने वालियों के घुंघरू उतरा लिए इस मोहल्ले ने। तो देर क्या है, छेड़ो कोई चीज, तुम्हारा गाना हमारी इस अप्सरा का नाच। हो जाए। लेकिन एक शर्त पर, अगर ये हार गए तो हमारी नैनतारा के पैर पर मालिश करेंगे। और अगर वो हार गई तो? अरे तो क्या करता है, ड्राइवर साहब की चिलम भरूंगी सबके सामने। अरे तू तो मुकाबले से पहले ही हारे जा रहा है, चल शुरू कर। चल शुरू कर। शाबाश। तिरछी नजरों से न देखो आशिक के गमगीर को नजर जब उठाई दुआ बन गई, नजर जब झुकाई अदा बन गई, नजर जब मिलाई वफा बन गई, नजर जब चुराई कजा बन गई।
मधुराता, मुझे तूने मार डाला, मुझे तूने मार डाला, तेरे देखने के सदके हुआ दिल में एक उजाला, तेरे देखने के सदके मुझे तूने मार डाला, मुझे तूने मार डाला, मुझे तूने मार डाला, तेरे देखने के सदके। तेरे नैन प्यार प्यारे मेरी राह के सितारे, हाय तेरे नैन प्यार प्यारे मेरी राह के सितारे, कोई दिल को हार बैठा हम जिंदगी को हारे, कोई दिल को हार बैठा हम जिंदगी को हारे, मुझे तूने मार डाला, मुझे तूने मार डाला, तेरे देखने के सदके मुझे तूने मार डाला, मुझे तूने मार डाला, मुझे तूने मार डाला, तेरे देखने के सदके। तेरी हर नजर जवां है, तेरी हर नजर हसी है, आए आए, तेरी हर नजर जवां है, तेरी हर नजर हसी है, तुझे जब से मैंने देखा मुझे चैन ही नहीं है, तुझे जब से मैंने देखा मुझे चैन ही नहीं है, मुझे तूने मार डाला, मुझे तूने मार डाला, तेरे देखने के सदके मुझे तूने मार डाला, मुझे तूने मार डाला, मुझे तूने मार डाला, तेरे देखने के सदके। दिल की आरज़ू है, सदियों की जुस्तजू है, तू दिल की आरज़ू है, सदियों की जुस्तजू है, आंखों में तेरे जलवे, सांसों में तू ही तू है, आंखों में तेरे जलवे, सांसों में तू ही तू है, मुझे तूने मार डाला, मुझे तूने मार डाला, तेरे देखने के सदके मुझे तूने मार डाला, मुझे तूने मार डाला, मुझे तूने मार डाला, तेरे देखने के सदके मुझे तूने मार डाला, तेरे देखने के सदके। बुआ जी, बिंदिया यहाँ नहीं आई। अरे बहू, तुम लोग रात कब आए? मैं तो बड़ी देर तक जागती रही। बुआ जी, आप तो उनको जानती हैं, जलसे की इतनी शौकीन है, उठने का नाम ही नहीं लेते थे। सुना है तभी बहुत खुश था। बहुत खूब नाचे गाए। रवि छोटी सी छोटी मामूली जगह जाकर इतना खुश रहता है, नहीं खुश रहता तो अपने घर में, है ना अफसोस की बात। अरे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं बहू, इस हवेली के मर्दों के भाग में यही लिखा है कि बीवियों से उनको कोई सुख ना मिले। भाई साहब को भी भाभी से कोई सुख नहीं मिला। ओहो, ये बिंदिया पता नहीं कहां मर गई, सारी हवेली छान मारी। शायर की महबूबा बनना खुशकिस्मती है, लेकिन उसकी बीवी बनना बदकिस्मती। इस हवेली के मर्दों के भाग में यही लिखा है कि उनको बीवी से कोई सुख ना मिले। ज्योति,
ज्योति कहीं जा रही हो? यहाँ किसके लिए रहूं? किसको मेरी जरूरत है? किसको सुख मिलता है मुझसे? ज्योति बड़ा घमंड था मुझे अपने प्यार पर, समझती थी मेरी किस्मत मेरी सेवा आपका प्यार जीत लेगी, लेकिन लेकिन बदले में मुझे मिली सुहाग रखती ये सूखे फूल जो खिलते ही मुरझा गए और शायद अब कभी भी नहीं खिलेंगे। ये बात नहीं है ज्योति, आपसे मुझे कुछ मिलता ना मिलता कम से कम आपको तो मैं कुछ सुख दे सकती, लेकिन वो भी नहीं हो सका। मैंने आकर आपका दुख और बढ़ा दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ये मेरे जीवन का पहला और आखिरी प्रेम है, इसके बिना मैं जी नहीं सकती। अगर मुझे अब आपका प्यार नहीं मिलता तो मैं दुनिया में किसी को नहीं जाकर मर जाऊंगी, लेकिन लेकिन आपके सुख में कांटा नहीं बनूंगी। ज्योति मैं जानता हूँ तुम्हारा प्यार वो प्यार है जिसकी तलाश मैं बरसों से कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है ज्योति, मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इस हवेली पर किसी का श्राप है। यहाँ कोई खुश नहीं रह सकता, किसी को सुख नहीं मिल सकता। मेरी माँ को भी जीवन भर कोई सुख नहीं मिला, वो बीमार रही और घुट घुट कर मर गई। चलो इस नरक से हम कहीं दूर चले जाएंगे। मसूरी में हमारी एक कोठी है, हम वहीं रहेंगे। मैं अपने प्यार भरे गीतों से तुम्हारी सुहागरात सजाऊंगा। इन आंसू भरी आंखों में खुशी की कलियां खिला दूंगा। चलोगी ना? कहाँ चली तू गलजोड़ी? मसूरी जा रहे हैं। कविता तुम करती हो? तुम कवि, मैं तुम्हारी कविता। अच्छा तो मेरी कविता कुछ गुनगुनाओ। गुनगुनाओ? अलबेले सनम तू लाया है काम, नाचे मेरा दिल तो प्यार।
सनम तू लाया है कहाँ, नाचे मेरा दिल तो प्यार है जहाँ, देखी नहीं सी तूने मेरा दिल लिया। अलबेले सनम तू लाया है कहाँ, नाचे मेरा दिल तो प्यार है जहाँ। सनम तू लाया है कहाँ, नाचे मेरा दिल तो प्यार है जहाँ, देखी न ऐसी बहार तूने मेरा दिल लिया। अलबेले सनम तू लाया है कहाँ, नाचे मेरा दिल तो प्यार है जहाँ। सनम तू लाया है कहाँ, नाचे मेरा दिल तो प्यार है जहाँ। अलबेले सनम तू लाया है कहाँ, नाचे मेरा दिल तो प्यार है जहाँ। अलबेले सनम तू लाया है कहाँ, नाचे मेरा दिल तो प्यार है जहाँ। जा रहे हो मसूरी, नहीं चलोगे? नहीं, अपनी किस्मत में यह खुशी नहीं है। वो लोग लौट आए मां। लौट आए इतनी जल्दी? हाँ, कुछ गड़बड़ लगती है। ज्योति, रो रही हो? रोने के सिवा मेरे भाग्य में क्या लिखा है? ज्योति, ज्योति मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। सिवाय तुम्हारे मेरी दुनिया कोई और नहीं। मैं अपनी सारी मोहब्बत उड़ेल देना चाहता हूं तुम्हारे आंचल में। तो रोका किसने? नैना ने। जब भी तुम करीब आती हो वो सामने आ जाती है। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। पिताजी का दिल दुखाया, उसको लेके हिंदुस्तान के बाहर चला गया। लेकिन कितना मनहूस था वो दिन जब मुझे मालूम हुआ। क्या? कि उसकी मोहब्बत अछूती नहीं थी, वो दूसरों से भी मिलती रही। मैं ईर्ष्या से पागल हो गया। एक दिन मैंने उसे मोटर में बिठाया, मोटर और तेज कर दी और तेज। और तेज मिटा देना चाहता। मैं अपने आप को मिटा देना चाहता।
मैं प्यार की दुनिया में आग लगा देना चाहता था। और मैं ना मर गई, मैंने उसे मार डाला। तब से आज तक ये ख्याल पल भर को पीछा नहीं छोड़ता कि मैं कातिल हूं, नैना का खूनी हूं। वो कोई दुर्घटना भी तो हो सकती है। कोई दुर्घटना नहीं हुई। फिर हुआ क्या? मैंने वहां रवि के पीछे अपने आदमी लगा दिए थे। रवि जहां जाता वो लोग साय की तरह उसके साथ लगे रहते थे। रवि बाबू का जादू नैना पर पूरी तरह छाया था। वो उसके साथ एक नई जिंदगी के सपने देखने लगी। उसने अपनी मां और मुझसे विश्वासघात किया। रवि को बर्बाद करने के बदले उसकी दुनिया को आबाद करना चाहा। नैना मरी कैसे? मैंने देखा पानी सर से ऊपर जा रहा था। रवि को तलाश करने के लिए मामा जी ने जो रुपए दिए थे काम आए। मेरे आदमियों ने उसकी गाड़ी फिक्स कर दी। क्या कर दी? ब्रेक फेल कर दिए। था रवि को, मर गई नैना। हे भगवान, ये सब क्या सुन रही हूँ? तू मेरा बेटा है, मेरी कोख से जन्म लिया है तूने। रवि ने मेरे साथ जो कुछ किया मैं कभी उसको भूल नहीं सकता, कभी माफ नहीं कर सकता। ये भी तो सोच के हम उसके टुकड़ों पर पल रहे हैं। तेरे बाप ने तो सारा राजपाट खा पी कर ठिकाने लगा दिया और हम दोनों को संसार में छोड़ के खुद प्रलोक सिधार गए। अगर भाई सहारा ना देते तो आज तू भीख मांगता मैं किसी विधवा आश्रम में पड़ी होती। तो तुम क्या चाहती हो, मैं रवि को माफ कर दूं, इसी तरह उसके टुकड़ों पे पलता रहूं? मैं चाहती हूँ तू अपना चाल चलन ठीक कर, भैया की नजरों में अच्छा बन के रहे, रवि से ज्यादा अच्छा। कौन जाने इसी राजपाट में तुझे भी कुछ मिल जाए। माँ, तुमने अपनी ऐसी बहुत कर ली, बहुत चाहा कि रवि वापस ना आए, बाप बेटे में मेल ना हो, लेकिन रवि वापस आया। अब मुझे अपनी ऐसी करने दो, ऐसा बदला लूंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा रवि। नहीं नहीं बेटा, मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करती हूँ, एक मर्तबा पोते का मुंह देख लूं फिर चाहे आंख बंद हो जाए। क्या कोई आशा नहीं? मैंने एक आध बार बहू से बात भी की, कोई आशा नहीं। हजूर साहब, समझी जी। धर्मवीर आओ। क्यों भाई, कैसे रास्ता भूल गए? बस आप इसे मिलने आओ बंसीलाल जी। आओ बैठा। सोचा यूरोप जाने से पहले तुम्हें मिल लूं, ज्योति को भी देख लूं। धर्मवीर जी, आप तुम बूढ़े हो गए हो, वलायत क्यों जा रहे हो? अब इस उम्र में कोई मेम नहीं फंसेगी। बूढ़े होते हैं राजे महाराजे, कलाकार कभी बूढ़ा नहीं होता, समझे? सच कहते हो, मैं तो जैसे कभी जवान हुआ ही नहीं। बचपन ने एकदम से छलांग लगा दी बुढ़ापे में। दीनू जी, भीतर खबर कर दो। हाँ, बिजनेस व्यापार के झगड़े, औलाद की देखभाल। बंसीलाल जी, बच्चे सुखी तो हैं? हाँ बहुत। हेलो अंकल। बेटी सुखी तो हो? अरे ये क्या, मुझे नाना बनना पड़ेगा? क्यों धर्मवीर, अब भी यूरोप जाओगे क्या? अब क्या खाक जाऊंगा यूरोप? लड़कियां कहेंगी नाना आ गए, नाना आ गए, सत्यानाश, वक्त से पहले बूढ़ा बना दिया। हेलो हेलो बेटी, तुम अंकल के पास बैठो, बातें करो, मुझे काम से जाना है। धर्मवीर जी ये जा रहे। अच्छा।
बेटी नितिन आया था। कैसे हैं नितिन बाबू? तुम कैसी हो? कैसी लग रही हूँ आपको? मेरा मतलब है रवि और तुम खुश हो? बहुत। लेकिन ये क्यों पूछ रहे हैं आप? नितिन कहीं रवि से मिला था, उसका ख्याल है कि तुम दोनों खुश नहीं हो। यहां कोई सुख नहीं मिला तुमको बेटी। सुख? उन्होंने मुझे इतना सुख दिया, इतना प्यार मिला उनसे, इतनी मोहब्बत उड़ेल दी उन्होंने मेरे आंचल में। कभी कभी डर लगता है कि मेरे आंचल न पड़ जाए। रवि कहां है इस वक्त? अंकल, जब से शादी हुई है उन्होंने घर से निकलना ही छोड़ दिया। साय की तरह मेरे साथ लगे रहते हैं। बड़ी शर्म आती है मुझको। आज बड़ी मुश्किल से बाहर भेज दिया उनको। क्या हो तुम? खूनी, कातिल। मैंने अत्याचार किया है, एक लड़की को मार डाला है। मुझे गिरफ्तार कीजिए। सर, तो तुमने खून किया है? सबूत? सबूत? और क्या सबूत चाहिए आपको? मैं खुद कह रहा हूं, आपके सामने खड़ा हूं। बैठ जाओ। साफ साफ बताओ, बात क्या? बात यह है कि मैं एक लड़की को हिंदुस्तान से बाहर भगा कर ले गया था। मुझे शायद उस वक्त उस लड़की से प्यार था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो बेवफा है, मैं रश की आग में जलने लगा। मैंने जानबूझकर मोटर तेज चलाई, एक्सीडेंट हो गया, वो मर गई, मैं बच गया। तुमने मोटर इस तरह चलाई, एक्सीडेंट हो गया, वो मर गई, तुम बच गए। तुम चाहते थे कि दोनों मर जाएं? जी। तहकीकात हुई? पुलिस ने क्या किया? यूरोप की पुलिस भी हुई है। उस वक्त मैंने उन्हें कुछ बताया भी नहीं था। तो आप क्यों बता रहे हो? मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। हर वक्त उसका ख्याल रहता है, उसकी शक्ल सामने आ जाती है, उसकी चीख सुनाई देती है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे जेल में डाल दीजिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए, मैं ऐसी जिंदगी से तंग आ गया हूं। पुलिस ना तो तुम्हें ठोस सबूत के बगैर गिरफ्तार कर सकती है और ना ही कोई फांसी चढ़ा सकता है। दूसरे ये वाक्य इस मुल्क का है भी नहीं, वरना हम ही कुछ छानबीन करते। तो आप कुछ नहीं कर सकते? कुछ करने की जरूरत भी नहीं बेटे। तुम्हें एक ऐसे डॉक्टर की जरूरत है जो इस गुत्थी को सुलझा सके। शलाम शाप। शाप, आज तो मेरे को बहुत बड़ा इनाम मिलने मांगता है। शाप इनाम? हाँ शाप, बहू जी को छोटा छोटा। क्या वक्त है? अरे वाह रवि बेटा, तुम दोनों ने तो मुझे भी धोखे में रखा। किस बारे में बुआ जी? तुम अब बाप बनने वाले हो, बहू मोजे बुनने लगी है। मैं तो चांदी के कड़े लूंगी, आपको गोद खिलाया, अब मुन्ने को गोदी खिलाऊंगी। हम तो सिल्क का कुर्ता ले रहे। छोटे मालिक राम जी हमारी बिनती सुन लेने। चलो अपना काम करो। नॉटी बॉय, बस यहाँ बैठो, तुम मम्मी को काम करने दो। अरे अरे, रोने लगा तू? आजा मेरे गोद में मुन्ने। अरे मैं तो ऐसी कह रही थी, इस घर में मेरे लिए कोई काम नहीं, मेरा जीवन तो तेरे साथ ही बीतेगा। तू गुड्डा और मैं गुड़िया, लेकिन मुझसे तो कोई नहीं खेलता और ना खेलेगा कभी। ज्योति, चलो जरा बाहर चलते हैं। ये पूछता है, डैडी हम भी चले? मैं तुमसे कह रहा हूं। अरे मेरे मुन्ने को फेंक दिया। बंद करो, बंद करो ये बकवास। चलो।
उस दिन की तरह जब तुम नैना को कार में बैठा कर ले गए और एक्सीडेंट हो गया। आज मैं चली जा रही हूँ, लेकिन मैं मरने से नहीं डरती। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और तुम्हारे चरणों में मरना अपना सौभाग्य समझती हूँ। तुमने मौजे क्यों बने? और क्या करती, अपनी लाज जो बचाने थी। ये लो सिंदूर, एक बार फिर से मेरी मांग भर दो। मैं सुहागन मरूंगी, दुनिया मेरी पूजा करेगी। वो कोई दुर्घटना भी तो हो सकती है, भाभी, आओ। किसकी तस्वीर देख रही हो? भैया की? नैना? सुना है तुम भी नैना से प्यार करते थे। हाँ, हम दोनों एक दूसरे पे जान छिड़कते थे, लेकिन एक दिन आपके पतिदेव की नजर इस पर पड़ गई। एक तो कवि और दूसरे इतने रईस बाप के बेटे, उड़ा ले गए इसे। क्या ये बहुत सुंदर थी? भाभी, सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। हाव भाव, बनाव श्रृंगार, नाच गाना, सब कुछ था नैना के पास। और तुम तो जानती हो रवि भैया इन्हीं सब चीजों के दीवाने हैं। क्या बात है भाभी, क्या भैया ऐसे भूले नहीं अभी तक? नहीं भूले तो उन्हें भूलना पड़ेगा। अगर इसके लिए मुझे नैना बनना पड़ा तो बनूंगी। भाभी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? बेबच्ची, तुम नहीं समझोगे। जिसका पति, जिसका प्यार, उससे दूर रहकर किसी और के ख्यालों में डुबा रहे, उसकी का जीवन तपती रेत के समान होता है। अरे, मैं आपकी मदद करूंगा। आपको ऐसी उस्तानी ढूंढ के लाऊंगा जो आपको हूबहू नैना बना देगी। रजनी भाई, बस नैना बना दो हमारी भाभी को, बिल्कुल नैना। देखते जाइए महेश बाबू, आज पहली बार तो मौका मिला है मुझे अपना हुनर दिखाने का। ज्योति, मैं हूँ छोटे बाबू। तू? मेम साहब कहाँ? बाहर गईं। बाहर कहाँ? मुझे क्या मालूम छोटे बाबू। अच्छा, रिपोर्ट लो और खिड़कियां बंद कर दो। अरे पास आओ। हाय दया, दरवाजा तो बंद कर लूं। हाँ, मुझे विस्की चाहिए। बस है घर में? हाँ, सिर्फ एक बोतल। साहब कहाँ है? ऊपर। हाँ,
कहाँ गई थी? मैं तो कई दिनों से जा रही हूँ। कहाँ? ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए। ब्यूटी ट्रीटमेंट? ब्यूटी ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है तुम्हें? इस ट्रीटमेंट के बिना मुझे आपका प्यार नहीं मिलेगा। ज्योति, मैं बेईमान नहीं हूं कपूर साहब, मैं जल्दी इनकी कीमत चुका दूंगा। What is this, Tony? Truth, Tony, truth. 200,000 million liras. For this, I kill Mr. Kapoor. Kis ke liye zain freely mein sakte le fantro. Mahesh, मैंने रजनी बाई से तुम्हारे बहुत से कारनामे सुने, और टोनी बहुत ही खतरनाक आदमी है। जो विलायत से यहाँ आ सकता है वो कुछ भी कर सकता है। उस बार टोनी फेल हो गया था, मैंने रवि को मारने का सौदा किया था, मारी गई नैना। You want accident? There was accident. Who that? Mafioso no care. I want lira or kill. महेश, आग से खेलने वाले की उंगलियां जल जाती हैं। बेहतर यही है कि तुम इनका हिसाब चुका दो। Truth. कपूर साहब, मेरी स्कीम जरूर कामयाब होगी, मैं बहुत जल्दी इनके रुपए चुका दूंगा। गारंटी? अगर टोनी मेरा साथ दे तो 100% गारंटी। टोनी और ये कागजात। रजनी भाई, तुमने तो ज्योति भाभी को हूबहू नैना बना दिया है। एक नजर में तो रवि भैया भी नैनी पहचान सकेंगे। महेश बाबू, मैं अपनी दीदी की हर अदा से वाकिफ हूँ, और मैंने वो सारी अदाएं ज्योति के अंग अंग में भर दी है। इन्हें मैंने वो गजल भी सिखा दी है जो रवि बाबू ने दीदी को लिख कर दी थी और हमेशा उनसे सुना करते थे। आगे आप। रजनी भाई, तुम फिक्र मत करो, ज्योति भाभी और मैंने वो नाटक रचा है कि इस बार रवि भैया चारों खाने चित नजर आएंगे। मैं तो ये सब उन्हीं पाने के लिए कर रही हूँ। आप लोगों की मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो भाभी हम अदा करेंगे आपका एक दिन। It is a deal, but remember my lira, okay? ये क्या हुआ? सफाई। सफाई? आज पिताजी बहुत बड़ी एक पार्टी दे रहे हैं। किस खुशी में? आज आपका जन्मदिन है ना? साहब, मैं सच कह रही हूँ, वो खूनी है। रात नशे में धुत मुझे वहां पे भरकर कहने लगा। रजनी, आज मैं बहुत खुश हूँ, कामयाबी मेरी मुट्ठी में है। कल के बाद ये महेश करोड़ों की दौलत का वारिस हो जाएगा। आप तो रोज ही करोड़ों की दौलत के मालिक बनते हैं महेश बाबू, लेकिन सपने में। क्या लगती है? मैं सपनों को सच करना जानता हूँ। उस पार व्यक्ति तेरी बहन धोखा न देती, ये सपना कभी का सच हो गया। रवि को बचाने मैंने चुटकियों में मसल डाला। साहब, साहब, मैं अभी तक रवि बाबू को ही अपने बहन का खूनी समझकर उनसे बदला लेने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि खूनी रवि बाबू नहीं बल्कि महेश। लेकिन ये कागज तुम्हें कैसे मिले? ये मैंने उसके जेब से चुरा लिए। साहब, इसमें वही चाल है जिससे उसने मेरी बहन का खून किया था, और अब रवि बाबू का भी खून करना चाहता है। बैठो। हेलो रवि,
मुबारक हो। मुबारक हो रानी भैया, मुबारक हो। अकेले कैसे? भाभी कहाँ? ज्योति। अरे हाँ भाभी कहाँ? माँ, भाभी अभी तक नीचे नहीं आई? आज तो सुबह से ऊपर जाने के लिए हर एक के वास्ते कर्फ्यू लगा है। पता नहीं बहू कौन सी निराली सजधज में लगी। जरूर रवि भैया के लिए कोई नया तोहफा तैयार कर रही होंगी भाभी। खैर तब तक रजनी बाई का ही मुजरा हो जाए। मुजरा हाजिर हो सकता? तो फिर देर क्या है, हो जाए एक यादगार मुजरा। मुजरा तो यादगार ही होगा महेश बाबू, लेकिन मेरा नहीं। फिर किसका? नैना का। होने लगी है रात जवां, जागते रहूं। होने लगी है रात जवां, जागते रहूं। शम्मों से उठ रहा है धुआं, जागते रहो। होने लगी है रात जवां, जागते रहूं। शम्मों से उठ रहा है धुआं, जागते रहो। जागते रहो। झपकी पलक तो दिल का जहां लूट लेंगे लोग। झपकी पलक तो नारे तक जवाब दे। मेरी किस्मत जिसने मुझे आज इस हाल तक पहुंचाया। नागिन तूने आंखें डस लिया ना मुझको, कितनी बड़ी खात की तूने मेरे साथ। रवि बाबू मुझ जैसी बाजारी लौंडिया आपके साथ क्या घात करेगी? बोल, कौन ले गया था ज्योति को तेरे पास? किसने उसे उस गंदी नाले में पहुंचाया? बोल। महेश ने, वही ले गया था ज्योति को इसके कोठे पर। आप बुआ का लड़का अपनी भाभी को नैना बनाने ले गया था। झूठ, सरासर झूठ। मैं किसी को नहीं लेके गया कोठे पे। झूठे का मुंह काला होता है महेश बाबू। आपने ज्योति से ही नहीं रवि बाबू से भी चाल खेली।
रवि बाबू, ज्योति आपका प्यार पाने के लिए नैना बनने को तैयार हो गई। ये उसे हमारे कोठे पर ले आए। आप दोनों राजा साहब की नजरों से गिर जाएं और ये उनकी जायदाद के वारिस बन जाएं। नीच कमीनी वेश्या। अरे भैया, मैं वेश्या तो तू कौन? रवि बाबू को हमारे कोठे पर कौन लाया? नैना दीदी के साथ सौदा किसने किया? तूने? मैंने? हाँ हाँ तूने, रवि बाबू को फांस कर बदनाम करने के लिए। वेश्या भी औरत होती है, दीदी को रवि बाबू से सच्चा प्यार हो गया और इसलिए इसलिए तूने उन्हें मार डाला। तू बोल दिया बेईमान। मार डाले इस कमीने कुत्ते को। इसके लिए क्या क्या पाप किए? भाई को भाभी से जुदा रखा, तुमको बाप से अलग रखने की कोशिश की। मैं चाहती थी कि जायदाद का कोई टुकड़ा इस कुत्ते को मिल जाए और आज ये इतना कमीना निकला, इस घर की बहू को, इस घर की लाश को ऐसी नीच तरह पहुंचा दिया। रवि बेटा, तुम समझते हो कि तुमने नैना को मार डाला? नहीं, इसको हुनी ये है, इसने गाड़ी खराब कर दी थी। ये चाहता था कि तुम्हें मार डाले और मर गई नैना। तुम भी छोड़ दो इसे बेटा, इसके कर्मों की सजा इसे मिल जाएगी। ज्योति कहाँ है? ज्योति, मैं हार गई, मेरा प्यार हार गया, नैना जीत गई, मेरा जीवन समाप्त हो गया। मैं जा रही हूँ तुम्हारे रास्ते से दूर, हमेशा हमेशा के लिए। क्या है इन कागजों में महेश? बता दो, हम तुम्हारे साथ रियायत बरतेंगे। ज्योति कहीं चली गई है, उसका कोई पता नहीं, ये पर्ची छोड़ गई है। सर, सर, इस परदेसी आदमी ने लाल गाड़ी के पुर्जे निकाल दिए, लगता है इसने गाड़ी खराब कर दी। किस कलेजम फिल्म में सख्त टेलीफोन थ्रो? इसे हेडक्वार्टर ले चलो, मैं वहीं आता हूँ। हेलो, कंट्रोल। We'll be right back.
की प्यार।